केएमसी की जानिब से हिल पार्क की जमीन पर गैर कानूनी बंगलों के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई का मामला लटक गया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी के हुक्म पर इंसदाद तजावजात मुहिम मुलतवी कर दी है। इस मुहिम का मकसद हिल पार्क के इलाके में जमीन को दोबारा बागुजार कराना था, जिस पर गैर कानूनी तौर पर तामीर बंगलों की सूरत में तजावजात कायम हैं। वाज़े रहे कि ये बंगले हिल पार्क के ढलान पर 2000 मुरब्बा गज़ अराजी पर वाक़े हैं और केएमसी ओहदेदारों के मुताबिक इलाके में ज़मीन की कीमत काफ़ी हद तक ज़्यादा है। एक बंगले की कीमत 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। ये इन्हदामी कार्रवाई जुमरात को होना थी। इतलात के मुताबिक केएमसी के नुमाइंदे ने बताया कि महकमे ने इब्तदाई मरहले में 4 बंगले मिसमार करने का आज़म किया था। इसके लिए तमाम इंतजाम कर भी लिए गए थे और 21 फरवरी को 4 बंगलों की बाउंड्री वॉल्स पर खाली करने के नोटिसेज चिस्पा कर दिए गए थे। कोशिश के बावजूद इफ्तिखार शलवानी ने 4 शॉर्टलिस्टेड बंगलों के अलावा मजीद गैर कानूनी तामीरात के खदशे के सबब कार्रवाई कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दी है। कमिश्नर का मौकफ है कि इंसदाद तजावजात मुहिम के तहत इन्हदाम को मुलतवी करने के इन फैसले से सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया जाएगा।